जितने साक्षरता कर्मी है सभी को डेट बाई डेट बॉर्डर करवा दे, जहर दे दे, या जो उनको इच्छा करे वो करवाए, लेकिन सरकार हमारी मांग को देना होगा, देना होगा, देना होगा, हमारी सम्मान को बढ़ा दे, महिलाओं का सम्मान करे, हमारी उम्र जो है उस उम्र का सम्मान करे। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ, तो अगर असक्षम है सरकार तो हम लोगों को जहर दे दे, हम लोग मर जाएंगे। झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ द्वारा मोराबादी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च कर राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि हम लोग बहुत दिनों से मुफ्त में काम किए हुए हैं और 2018 के बाद कार्यक्रम बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद हम लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोगों का उम्र भी चला गया और 15 तारीख से नया कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है, उसमें हम लोगों का समायोजन नहीं किया गया है। उसी को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का समायोजन किया जाए। हम लोग पूरे राज्य से हैं, पूरे राज्य से हम लोग 15 साल से जो हम लोग काम किए हैं साक्षरता में काम करते हैं, जो लोग साक्षर को हम लोग शिक्षकों को जो पढ़ाए, उन लोग को साक्षर को साक्षर किए, उसके साथ हम लोग सरकार की बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं काम थी, जिसने हम लोग पल्स पोलियो, पशु गणना, जन वितरण प्रणाली, ऐसी बहुत से ऐसे काम किए। हम लोगों ने पूरा अपने तन मन धन से काम दिया, 15 साल से हम लोग काम किए। अब 5 साल में सरकार अस्थायी करती है, परंतु हम लोग ने 15 साल काम किए, 15 साल हम लोगों ने यहाँ पर अपना समाज सेवा दिया, परंतु सरकार आज हम लोग जो साक्षरता कर्मी है उसको आज नई कार्यक्रम योजना जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आ रहा है उसमें हम लोगों कहीं दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं है। सरकार से मैं कहना चाहती हूँ जो अभी जो नव साक्षर भारत कार्यक्रम जो आ रहा है उसमें पूर्व जो साक्षरता कर्मी है उन लोग को कोई ना उम्र का ताकत लगे, ना कोई किसी परंतु का कोई भी चीज का ना अनुमत किया जाए और साक्षरता कर्मी को समायोजन किया जाए। हम लोग पूरे राज्य झारखंड से हम लोग पूरे एकता कर्मचारी जो है यहाँ पर सरकार के सामने मांग रखते हैं, हमारी मांग को पूरी करो। हम लोगों ने समय से पहले काम किया, जो उस काम को देखते हुए सरकार आज हमारी फल को दे। हम लोग जो 15 साल समाज सेवा किए हैं निस्वार्थ भाव से, उसका आज फल देने का काम सरकार करे, हमारी सम्मान को बढ़ा दे, महिलाओं का सम्मान करे, हमारी उम्र जो है उस उम्र का सम्मान करे। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि साक्षरता कर्मियों को पूर्ण कार्यक्रम जो होने वाला है उस कार्यक्रम में सभी साक्षरता कर्मियों को समायोजन करे। मैं चंपा माली बोल रही हूँ, मुझे अपना अधिकार चाहिए सर। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि हम लोगों का सारा उम्र गुजर गया, हम लोगों को अपना अधिकार दे, या नहीं तो अगर असक्षम है सरकार तो हम लोगों को जहर दे दे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कैसे रखेंगे, कैसे परवरिश चलाएंगे, हम लोग गुजर मर दिए, हमारी मांगे पर बैठेंगे, हम लोग यहाँ जान अपना दे देंगे, पूरा मतलब निर्जल रहेंगे। बोल रहे अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, हमारे पीछे जो बच्चे हैं, घर का जो परिवार है उसका जिम्मेवारी हमारी सरकार उठाए, और नहीं तो हम लोग का समायोजन कर दे सरकार। सरकार से हम लोग नम्र यही करते हैं, मांग करते हैं कि हम लोग को समायोजन करे, सरकार को मानना पड़ेगा, हमारी मांग जाए जाए। हमने 15 साल टाइम दिए है सरकार को, हमारा जब समय था दूसरे विभाग में जाने का, उस टाइम हम लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ काम किए, साक्षर अपने पंचायत को, अपने टोले को साक्षर करने का काम किया, आज हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई पड़ाव नहीं है जाने का, मध्य बिंदु है हमारा साक्षर भारत। तो सरकार से आज हम मांग करते हैं कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से पूर्व साक्षरता कर्मियों को बहाल करें, यही सरकार से मांग है, नहीं तो सरकार के पास पूरा पावर है, जितने साक्षरता कर्मी है सभी को डेट बाई डेट बॉर्डर करवा दे, जहर दे दे, या जो उनको इच्छा करे वो करवाए, लेकिन सरकार हमारी मांग को देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार आप जाग जाओ, साक्षरता कर्मी का भविष्य के बारे में संवारो, उसके सपना को पूरा करो। हमारी सपना है भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि साक्षरता कर्मियों को फिर से बहाल करना होगा।
लोग साक्षरता कर्मचारी संघ है। हम लोगों का दो सूत्री मांग है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आज प्रदेश स्तर से हम लोगों का एक बहुत बड़ा जनसमूह साक्षरता कर्मी का धरना प्रदर्शन के रूप में जाकर हुसैन पार्क में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत दिनों से काम किए हैं, निःशुल्क काम किए हैं साक्षरता में, और 2018 के बाद कार्यक्रम बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोगों का उम्र भी बहुत लोगों का चला गया और अभी हम लोग बचे हुए हैं। और नया कार्यक्रम 15 तारीख से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है और उसमें हम लोगों को समायोजन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का यही मांग है, क्योंकि हर एक सहिया को ले लिया, सेविका को उसका उद्धार किया, पारा टीचर का उद्धार किया, कृषक मित्र को उद्धार किया, हम लोगों को भी साक्षरता कर्मी को भी उद्धार कर दे। महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम लोग कम से कम लगभग 15 साल से अल्प मानदेय पर एकदम सम्मान एक मानदेय पर काम किया। आज हमारे 15 वर्ष होने पर हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया है और हम लोग अपने गांव ग्राम क्षेत्र में सरकार की एक एक एकदम अंतिम बिंदु तक हम लोग काम किए। आज उस अंतिम बिंदु से हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। हमारी यही मांगे हैं कि लोग साक्षरता कर्मी में हमारी समायोजन करें, नहीं तो हम सारे झारखंड राज्य छत्तीसगढ़ कर्मी हम सब में आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।